मेरा दोस्तों जो मेन चैनल है, फर्स्ट चैनल जो मैंने यूट्यूब पर बनाया था बी यूनिक टॉक्स, वहां पर मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि स्टार नेटवर्क का एक चैनल 1 अप्रैल 2024 से डीडी फ्रीज पर अवेलेबल हो सकता है। जी हाँ, जो मेरा मानना है वो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यहाँ पर वो चैनल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ, सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर ये वीडियो नहीं देखी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है, तो इस वीडियो में मैं फिर से जो है इस चैनल को लेकर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए। स्टार नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, पिछले साल भी दोस्तों स्टार गोल्ड 63 ने आकर जो है आप लोगों को एक झटका दिया था। जी हाँ, सभी को लगभग जो डीडी फ्रीज व्यूअर्स हैं उनको एक तगड़ा झटका दिया था स्टार गोल्ड थ्रिल्स जो है डीडी फ्रीज पर ऐड करके, क्योंकि व्यूअर्स को अंदाजा ही नहीं था कि स्टार गोल्ड थ्रिल्स भी डीडी फ्रीज पर आ सकता है। उन्होंने भी दोस्तों मार्च में एक बदलाव किया था, यूटीवी एक्शन को चेंज कर दिया गया था स्टार गोल्ड थ्रिल्स के नाम से। तो ऐसा ही एक बदलाव स्टार नेटवर्क के एक और चैनल में होने जा रहा है। फॉक्स लाइफ चैनल अगर आप लोग देखते होंगे तो ये लगभग ट्रैवलिंग एक्सप्लोर जो आपके बड़े बड़े कंट्रीज हैं सिटी उनको एक्सप्लोर करने के जो है कंटेंट प्रोग्राम्स दिखाता है, बहुत अच्छा चैनल है, जैसे कि ट्रैवल एक्स PhD है, ठीक है, तो अच्छा चैनल है। ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही नहीं भाई, हिंदी में भी है, कई भाषाओं में है, ये भी DTH के द्वारा इसको कई भाषाओं में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैनल भी भाई मार्च के मंथ में बदलाव करने जा रहा है। जो फॉक्स लाइफ चैनल है वो चैनल जो है अब स्टार लाइफ के नाम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ एक कंट्री में ये स्टार लाइफ के नाम से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कंटेंट जो है शायद इंग्लिश मूवीज़ का या इंग्लिश जो जनरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है वो दिखाए जाते हैं चैनल पर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक ओमान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, वहाँ पर उन कंट्रीज़ में इसके प्रोमो भी जारी कर दिए गए हैं कि फॉक्स लाइफ बहुत जल्द चेंज कर दिया जाएगा स्टार लाइफ के अंदर। तो अगर ये चैनल मिडल ईस्ट में चेंज होने जा रहा है तो इंडिया में भी जरूर से चेंज होगा भाई स्टार लाइफ के अंदर। इसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी दोस्तों यहाँ पर अभी लिया गया है स्टार नेटवर्क की तरफ से, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है जैसे कि मिडल ईस्ट का लोगो होगा वही लोगो जो है इंडिया के अंदर भी आने वाला है। तो ये फॉक्स लाइफ जो चैनल है वो स्टार लाइफ के अंदर जरूर चेंज होगा, कंटेंट भी शायद आप लोगों को वही देखने को मिलता रहे, या फिर हो सकता है कुछ अलग चेंज कर दिया जाए। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो पिछले साल इन्होंने यूटीवी एक्शन को स्टार गोल्ड थ्रिल्स में चेंज किया था तो कंटेंट सेम वही मूवीज़ का है जो यूटीवी एक्शन पर देखने को मिलती थी। हॉलीवुड की वही मूवी जो है आप लोगों को स्टार गोल्ड थ्रिल्स पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे हो सकता है सिर्फ नाम चेंज हो, बाकी कंटेंट आप लोगों का सेम सा रहे, या फिर डीडी फ्रीडिस पर अगर वो आना चाहता है तो थोड़ा बहुत कंटेंट में बदलाव कर भी सकता है। बाकी देखते हैं अभी क्या रहता है। बाकी ये मेरा सिर्फ अनुमान है, क्योंकि पिछली बार स्टार गोल्ड थ्रिल्स ने ऐसा किया था, उसी को देखते हुए मेरा ये अनुमान है। बाकी मैं ये कन्फर्म नहीं कहूँगा कि ये जरूर आएगा ही नहीं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि क्या आप लोग इस फॉक्स लाइफ जो स्टार लाइफ में चेंज हो जाएगा उसको डीडी फ्रीज पर देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि डीडी फ्रीज पर कुछ एक अलग सा चैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई। मेरा सुझाव है एक अलग सा चैनल होगा जो डीडी फ्रीज पर दिखाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल डीडी फ्रीज पर अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग को ये चैनल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। धन्यवाद।